बच्चों, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस किए, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट आपके क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो होते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या हुआ? तो करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो वी नो हम करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई। आई इज इक्वल टू चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, टाइम बराबर टी। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यानी पर एक कंडक्टर के थ्रू एक पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के जो एसआई यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं? एसआई यूनिट क्या होते हैं? एम्पेयर होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मेजर करते हैं? इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं एमीटर। एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। और जब भी आप सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ेंगे किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, तो उस वक्त इसको किस में जोड़ना है आपको? सीरीज में, क्योंकि इसका करंट, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होते हैं। तो एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट इन सीरीज इन ए सर्किट। जब आप किसी सर्किट में एमीटर को कनेक्ट करेंगे तो हम इसको सीरीज में कनेक्ट, जैसे आपका कोई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और इसके थ्रू एमीटर को कनेक्ट करना है तो आपको एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, तो इससे करंट आराम से पास हो जाते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। नाउ वी डिफाइन वन एम्पेयर। डिफाइन वन एम्पेयर। वन एम्पेयर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वन एम्पेयर करंट आपके सर्किट में हो तो उसको कैसे डिफाइन करेगा? तो आपका पता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम आपका होता है। तो वन एम्पेयर इज इक्वल टू वन कूलम अपॉन वन सेकेंड होगा। यानी आपके सर्किट में करंट वन एम्पेयर कब बोलेंगे? जब अगर एक सेकेंड में आपके कंडक्टर के तो एक कूलम अगर चार्ज फ्लो होते हैं, देन उस केस में आप कहेंगे कि आपके सर्किट के अंदर करंट कितने हैं? वन एम्पेयर। वन एम्पेयर इज इक्वल टू वन कूलम अपॉन वन सेकेंड। यानी एक सेकेंड में अगर एक कूलम चार्ज फ्लो होते हैं तो हम बोलेंगे सर्किट के अंदर करंट कितने हैं? वन एम्पेयर। तो डायरेक्शन ऑफ करंट नेक्स्ट आपका होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपके करंट का जो डायरेक्शन होते हैं, मेनली करंट का डायरेक्शन हमें कौन बताते हैं? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो हो रहा है, वही हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी करंट का डायरेक्शन के अंदर क्या आंसर रहेगा? टेकन इज फ्लो पॉजिटिव चार्ज। यानी आपको पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो हो रहा है वो हमें क्या बताएगा? करंट का डायरेक्शन हमें बताते हैं। मान लो अगर यह कोई आपका सर्किट होगा, यहां हमने कोई सेल लगाया, ये कब स्विच है, ठीक। तो आपका करंट जो पॉजिटिव चार्ज होगा कहां से कहां फ्लो होगा? पॉजिटिव से कहां फ्लो होगा? नेगेटिव की तरफ। तो आपका करंट की डायरेक्शन में हमेशा कहां से कहां होते हैं? करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होते हैं। और ये जो करंट कन्वेंशनल करंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट होते हैं। करंट के डायरेक्शन हमेशा हम अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में आपका फ्लो होते हैं, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमें फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज बताते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो करंट है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट आपको होते हैं। तो ये था आपका करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन हम फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो हो रहे हैं वो हमें करंट का डायरेक्शन बताएगा। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल का आपका फ्लो होगा, तो करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव से कहां की तरफ होता है, नेगेटिव की तरफ, और ये हमेशा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के, हमेशा अपोजिट में करंट आपका फ्लो होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपके वायर के अंदर करंट कैसे फ्लो होते हैं, हाउ करंट फ्लो इन ए वायर। एक वायर के अंदर करंट कैसे फ्लो होते हैं या कंडक्टर के अंदर आपके करंट कैसे फ्लो होते हैं, तो हमने पहले आपको बताया है कि कंडक्टर के अंदर करंट क्यों फ्लो होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं। तो ये आपका कोई कंडक्टर होगा मान लो, तो इसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हमें मदद करते हैं। तो आपके क्या होते हैं, जब इसके आसपास कोई पोटेंशियल हम अप्लाई नहीं करते हैं तो ये करंट रेंडमली, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेंडम मूवमेंट करते हैं, हर जगह एक ये इलेक्ट्रॉन हर जगह जाते हैं, ठीक है। जैसे हम इसी कंडक्टर के आसपास पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, जब हम इसके आसपास पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक साइड क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स पड़ते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉन आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो गया, ड्रिफ्ट होगा, इस तरफ इस साइड ड्रिफ्ट होगा। तो जब आपने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था तो उस वक्त करंट रेंडम मोशन कर रहा था, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के आसपास पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक साइड आपका क्या हो जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ आप एक साइड ड्रिफ्ट, पॉजिटिव टर्मिनल ड्रिफ्ट होगा, तो करंट आपका कहां से कहां फ्लो होगा, तो पॉजिटिव से कहां होगा, नेगेटिव की तरफ आपका करंट फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन हमने पहले ही कहा है कि करंट का जो डायरेक्शन होते हैं वो हमेशा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्लो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होगा तो करंट आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर आपका फ्लो होते हैं। तो ये देखिए करंट वायर के अंदर कैसे करंट आपका फ्लो होते हैं। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट आपके क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, पाथ होते हैं बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, जो पाथ होते हैं जहां से करंट आपका फ्लो होते हैं, उस पाथ कंटिन्यूअस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब कंटिन्यूअस पाथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल और आपका बैटरी। सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो कंटिन्यूअस पाथ होते हैं, उस कंटिन्यूअस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपके क्या होंगे, वायर होंगे, आपके रेजिस्टेंस होंगे, आपके स्विच होंगे, ठीक है, और आपके सोर्स होंगे। सोर्स में आपका सेल भी हो सकता है, आपका बैटरी। एग्जांपल हम यहां पे ड्रॉ करेंगे, मान लो ये आपका कोई सेल होगा, फिर यहां से आपका ये जाएगा, यहां कोई बल्ब या रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक, फिर यहां से आएंगे तो ये आपका क्या होगा, स्विच होगा, ये आपका सेल होगा, ये आपका रेजिस्टेंस बल्ब होगा। तो इस कंटिन्यूअस पाथ को जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते, इस कंटिन्यूअस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट हम बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस पाथ होते हैं बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी के बीच में, कंटिन्यूअस पाथ होते जहां से इलेक्ट्रिक करंट आपके क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। फ्रॉम, हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जहां से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, उस कंटिन्यूअस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक सर्किट को जब हमने बनाया, इसको हम सिंपली जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि आपके सेल को कैसे शो करना है, आपके बल्ब या रेजिस्टेंस लगे होंगे तो कैसे, आपके स्विच को कैसे हम शो करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाले कंपोनेंट का सिंबल क्या होते हैं, कि सिंबल ऑफ जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आपके होते हैं। नेक्स्ट आपके सिंबल फॉर
electric component. Electric component. इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो आपके सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज होंगे, जैसे आपके सेल होंगे, स्विच होंगे, आपके बल्ब्स होंगे, तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपका सेल, तो सेल क्या होते हैं? सेल एक डिवाइस होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके सेल आपके सर्किट के अंदर होंगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दो लाइन, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन। जो आपका बड़ा लाइन होगा वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और जो छोटा लाइन होगा वो आपका क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल आपका होगा। तो आपको सेल को बनाने की जरूरत नहीं है। जब कोई सर्किट के अंदर आपका सेल मौजूद होगा तो आप सिंपल सेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है। दूसरा आपका क्या होते हैं? दूसरा आपका होता है बैटरी। तो बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर एक से ज्यादा सेल आपको जुड़ा होगा तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। बैटरी को कैसे दिखाएंगे? ये एक सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ, ये आपका तीसरा सेल, इसी तरह से अप टू अपने जितने भी सेल आपके सर्किट बैटरी के अंदर जुड़े होंगे आपके यहाँ पे शो करें। फिलहाल ये जो बड़ा लाइन होगा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं सेल इन सीरीज। अब आगे हायर क्लास में जाकर इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि सेल इन सीरीज क्या होते हैं, सेल इन पैरेलल। फिलहाल हम यहाँ बैटरी को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका होते हैं वो होगा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हमने पहले ही कहा है, वोल्टमीटर में हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो वोल्टमीटर अगर सर्किट में होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा? आपको ऐसे सर्कल बनाएगी, फिर इसके बाद आपकी क्या होगा, यहां अंदर क्या लगेगा? वी लगेगा। यानी वोल्टमीटर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर आपके सर्किट के अंदर एमीटर मौजूद होंगे, फोर्थ में आपका क्या होगा? एमीटर। एमीटर अभी अभी हमने कहा था आपको कि एमीटर हम करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके सर्किट के अंदर एमीटर होंगे तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ए, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या होगा? आपके सर्किट के अंदर वोल्टमीटर हो, गैल्वेनोमीटर हो सकता है। गैल्वेनोमीटर अगर सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप इसके बीच में क्या लगाएंगे? जी। गैल्वेनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सर्किट के अंदर स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके सर्किट के अंदर स्मॉल करंट फ्लो होगा तो आप गैल्वेनोमीटर की मदद से पता कर सकते हैं। एमीटर आप बिगर जो करंट्स होंगे, जैसे आप एम्पेयर में होंगे तो उस वक्त आप एमीटर इस्तेमाल करोगे। माइक्रो एम्पेयर या मिली एम्पेयर में अगर आपका करंट होगा तो उस वक्त आप गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बाद में हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं। अगर आपके सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस मौजूद होंगे तो रेजिस्टेंस को आप ऐसे डिनोट करोगे, ये रेजिस्टेंस का सिंबल आपका होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या होंगे? नेक्स्ट आपका रियोस्टेट हो सकता है। रियोस्टेट को हम क्या बोलते हैं? दूसरा चीज वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर आपके सर्किट के अंदर रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं? रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होता है फिक्स होते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का या रियोस्टेट का मतलब होता है यहाँ आप अपनी मन के रेजिस्टेंस को रख सकते हैं। रेजिस्टेंस आपने लैब में देखे होंगे तो रियोस्टेट के जरिए हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ जो होगा वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस होगा, इनका रेजिस्टेंस जितना होगा उतना इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रियोस्टेट की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम कैसे दिखाएंगे? हम ऐसे दिखाएंगे, या इसको ऐसे दिखाएंगे, या तो हम इसको ऐसे आपका शो करते हैं। तो रियोस्टेट का मतलब होते हैं जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकता है। यहां जो रेजिस्टेंस होगा फिक्स्ड रेजिस्टेंस होगा, इसके वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होगा? स्विच। अगर आपके सर्किट के अंदर स्विच होंगे तो स्विच आपका ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड स्विच भी हो सकता है। अगर ओपन स्विच होगी, स्विच अगर ओपन होगी तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करेंगे दो तरह का होते हैं, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ओपन स्विच, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, यह आता है आपका ओपन स्विच हम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होगा? क्लोज्ड स्विच होगी। क्लोज्ड स्विच
स्विच अगर आपके क्लोज्ड होंगे तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या दूसरा तरह का इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसके बीच में डॉट लगा। ये तो ये हो गया आपका क्लोज्ड स्विच, ये हो गया आपका ओपन स्विच। फिर आपके पास क्या होंगे? ब्लब होंगे। ब्लब होंगे तो आपको क्या होगा? हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका ब्लब का साइन होते हैं। अगर ये ब्लब कब होगा? जब आपको ग्लो नहीं होगा। अगर आपका ब्लब ग्लो हो रहा होगा तो उस वक्त आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपका ब्लब ग्लो हो रहा है, यहाँ पे आपका ब्लब आपका ऑफ है, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल। जब भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओगे तो उसके कंपोनेंट जो इस्तेमाल होंगे उस वक्त आपको सिंबल का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आपके होंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम क्या होते हैं? तो सर्किट डायग्राम का मतलब होते हैं एक डायग्राम होते हैं जिसमें एक सर्किट को बनाते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल का इस्तेमाल कर, जो हमें दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स किस तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो सर्किट डायग्राम का मतलब होता है डायग्राम होते हैं, डायग्राम होते हैं विच शो, जो हमें क्या शो करेंगे, विच शोज हाउ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैसे आपके कनेक्ट है? बाय यूजिंग किसका इस्तेमाल करके? इलेक्ट्रिक सिंबल का, अभी जो हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक सिंबल। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होते हैं? एक डायग्राम होते हैं जो हमें शो करता है कि किस तरह से एक सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हम किसके इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रिक सिंबल के हम इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ये डायग्राम होते हैं जो हमें दिखाते हैं कि किस तरह से एक सर्किट के अंदर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कनेक्टेड होते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक सिंबल। सिंपली हम यहां पे दिखा रहे हैं, मान लो एक मिनट के लिए आपके पास एक बैटरी है, ठीक, ये सर्किट के अंदर आपके स्विच है, मान लो एमीटर लगे होंगे, फिर आपके पास कोई रेजिस्टेंस होगी, तो इस चीज को हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। इन सर्किट डायग्राम में हम डिफरेंट कंपोनेंट को उनके सिंबल के जरिए शो करते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम होते हैं, डायग्राम होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को उनके सिंबल के जरिए शो करते हैं।